Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान सैफी, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच 5 बनाए जाएंगे फ्लाई ओवर। हाँ दोस्तों, जिस तरह से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे और NH-58 का भी निर्माण कर दिया गया है और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का भी निर्माण फाइनल कर दिया गया है, उसी को देखते हुए NHAI के अधिकारियों ने एक निर्देश जारी किया गया है कि हम मेरठ से और मुजफ्फरनगर के बीच में 5 फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाएगा। जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, जो वाहनों को जो दिक्कत आती है, उसी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि 2021 में ही इन 5 फ्लाई ओवर का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, NHAI की रिपोर्ट के अनुसार हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट आपको पढ़कर बताते हैं। दिल्ली से मेरठ ही नहीं, अब मुजफ्फरनगर भी आना जाना फराटेदार होगा। मेरठ से प्रतापपुर से लेकर मुजफ्फरनगर के बीच फराटेदार सफर के लिए 5 नए फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाएगा और इस कार्य पर करीब 250 करोड़ रुपए की लागत मानी जा रही है और NHAI ने प्रतापपुर से मुजफ्फरनगर के बीच बेहतर सफर के लिए DPR का बनाने का आदेश जारी कर दिया गया है। और आगे हम बढ़ते हैं, इसमें वो 5 फ्लाईओवर कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार बनेंगे 5 फ्लाईओवर। प्रतापपुर से सुभारती के बीच पहला फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, दूसरा खड़ोली के पास एक फ्लाईओवर का सर्विस रोड का भी निर्माण किया जाएगा, कंकरखेड़ा मोदीमपुरम के बीच एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा और रामपुर तिराहे के पास एक फ्लाईओवर का भी निर्माण किया जाएगा, उसके बाद मुजफ्फरनगर में एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक 5 फ्लाईओवरों का निर्माण किया जाएगा। इस तरह होगा सर्विस रोड का भी निर्माण, जो सर्विस रोड आ रहे हैं उनका भी निर्माण इस के साथ साथ किया जाएगा। मेरठ मुजफ्फरनगर के बीच 27 किलोमीटर नया सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा, खड़ोली में भी सर्विस रोड बनाया जाएगा और सिवाया में भी सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली से वाया एक्सप्रेसवे आने वाले वाहन सीधे NH-58 पर बिना कट आदि के फ्लाईओवर से होते हुए मुजफ्फरनगर की ओर कट जाएगा। इस प्रकार इन फ्लाईओवरों का निर्माण किया जाएगा और इसकी DPR जो है वो बनने के लिए भेज दी गई है और बहुत ही जल्द इस पर मोहर लगकर 2021 में ही इन 5 फ्लाईओवर का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।